तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका शासन की वल्हाला के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। ये हुई ना बात। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, किंग हेरोल्ड ने हमारे सामने एक प्रपोजल रखा था कि नॉर्वे के सारे वाइकिंग क्लांस एक हो जाएं और किसी एक किंग के अंडर में आ जाएं, लेकिन सिगर्ड ने उसे सिरे से ठुकरा दिया और हमारी पूरी टीम नॉर्वे को छोड़कर आखिरकार आ चुकी है एक नई धरती पे, जो कि है इंग्लैंड। यहाँ हमने सबसे पहले एक एनकैंपमेंट में कब्जा किया, कुछ बैंडिट्स, यहाँ के लोकल बैंडिट्स को हमने हराया और इस पूरे सेटलमेंट को अपना कर लिया है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ मिलना है गुनर से, क्योंकि उसकी अपनी एक फोर्ज है और वो चाहता है, या यूँ कहे कि सिगर्ड ये चाहता है कि सबसे पहले गुनर की फोर्ज को अपग्रेड किया जाए, ताकि वो हमारे लिए नए वेपन्स तो बना सके, ताकि आगे हम यहाँ के लोगों से लड़ तो सके कम से कम। तो पहले इसी से ही बात करते हैं। Can I help you with anything? अरे? Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good, good. How I miss those days. Ransacking and pillaging, blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you are the only blacksmith we have. We cannot afford your. हाँ, ये बात भी है। अगर ये join कर लिया भाई, इसे कुछ हो गया तो कोई blacksmith बचेगा भी नहीं। Axes then swing them. My place is here, not pulling on the war. ये पहले जाता था वॉरिन के समय रेड वगैरह करने, लेकिन अब से ये पूरा blacksmith बन चुके हैं। I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes. Bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you and put it to better use than they did. अरे बिल्कुल, न्यू इंटेल आया है, एलेक्स्टर मोनेस्ट्री। ओके, तो ये जो गनर है, इसे कुछ नक्शे मिले हैं जो हमने पिछले ही बार बैंडिट से सामना किया था यहाँ पे, उनको हराने के बाद उनके पास से ये नक्शे मिले हैं। और इसमें कुछ मोनेस्ट्रीज का जिक्र है जहाँ पे हमें ये सब मिल सकता है, क्या कहते हैं, सप्लाईज और लूट्स। और उन सप्लाई और लूट्स से हम फोर्ज वगैरह जो अपना सेटलमेंट है उसे अपग्रेड कर सकते हैं। एक तो ये दिखा रहा है सजेस्टिव पावर 20, ये अपना है, यहाँ जा सकते हैं अपन। एक ये है, पर ये तो भाई 160 है। मेरी पावर लेवल है 24, ये तो हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं है, तो इसे अभी भूल जाओ। तो एक ये जा सकते हैं, लेवल 20 का है, और एक ये जा सकते हैं, ये भी लेवल 20 का है। चलते हैं, सबसे पहले पास वाले से ही शुरू करते हैं, उसके बाद इधर भी आ जाएंगे। और बाकी ये सब चीज़ें हैं भाई, इन्हें लेना है ना, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, काफ़ी यूज़ होगी ये चीज़, खासकर ये जो अलग अलग से है। तो चलते हैं, सेटलिंग डाउन। अभी हम सेटल हुए नहीं है, काफ़ी समय लगा दिया हमने यहाँ पे रिबिल्ड करने को। चलें फिर। अबे चलो, मोनास्ट्री रेट्स, इन्हें रेट करने से सप्लाईज और रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, जिनसे हम रिबिल्ड अपने सेटलमेंट अपग्रेड कर सकते हैं। चलो फिर, फॉलो रिवर। We will correct these Christian monasteries like a row of hen's eggs. The Saxons know we are here. The monasteries will be well guarded. Ah, but nothing more than priests and prayers, I'd wager. अरे नहीं, इतना हल्के में नहीं लेना है। भले वो मोनेस्ट्री है तो क्या हो गया, सिर्फ प्रीस्ट ही नहीं रहेंगे वहाँ पे, वहाँ पे यहाँ के सोल्जर्स भी रहेंगे जो उस मोनेस्ट्री को गार्ड करेंगे हमारे जैसे लोगों से, तो ज़्यादा हल्के में लेना नहीं है। ओके, तो ये है वो, चलो पहुंच गया भाई। ओ ये क्या था, इन लोगों ने तो धमा चौकड़ी मचा दी। आ जाओ फिर। दिखे, आ जा, शील्ड हटा। चलो भाई, और कितने मिलेंगे, काफ़ी सारे सोल्जर्स मिलेंगे हमें यहाँ। चलो वो तो अच्छा है कि क्रू है अपना पूरा। अबे ये क्या मार रहे थे। चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहो आगे।
रोक लिया भाई उसने, डिफेंस अच्छा ही लूंगा, देख रहे हो। अबे हथियार बदलना पड़ेगा यार मुझे, कोई बात नहीं, ये रेड मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ। पड़ी साले के, उसके हाथ में आग लग गई है। चलो है भाई यहाँ पे है, लूटने के लिए है यहाँ पे, बढ़िया लूटते जाओ बस। एक से खुलेगा नहीं ये, रॉ मटेरियल्स। चलो भाई जो मिल रहा है सब लूटो। और कुछ है यहाँ पे, कुछ सप्लाईज वगैरह? एक सेकंड, अरे कहाँ फंस गया ये? आजा, ये हैवी है भाई, लूंग सब। इसके पैर पे लगा, पैर पे लगी, जल्दी इस्टन लो ब्रूटल, पूरी तलवार आर पर कर दिया भाई उसके। ये आया एक, दो से लड़ रहा है भाई ये सोल्जर। आजा आजा, थॉम्प, ओह सर फोड़ दिया उसका। पीट दिया, पर कब तक? कितने हैं यार यहाँ पे? देखा, इसलिए मैं कह रहा था हल्के में लेना नहीं है। वो कह रहा था एक आदमी, किसी प्रीचर्स ही रहेंगे, पूरी सेना है भाई यहाँ पे, मतलब एक टुकड़ी है पूरी सेना की। और कुछ है सामने? है राशन भी इकट्ठा करते रहो, क्योंकि जीरो है मेरे पास। इसके अंदर दिखा रहे हैं, इन लोगों ने पहले ही जला दिया इसे लूटने से पहले। पर इसके अंदर जाऊं कैसे मैं? कहीं गेट तो मिले कुछ? Give me a hand with this. आया आया, हेल्प कर दे जल्दी। अरे तो डह गए अपना, वो अंदर लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। मारा पैरी, पैरी करना सीखना जरूरी है यार, पैरी अच्छा खासा, जो स्टैन अटैक करता है पैरी करने के बाद। ले खेल दिया भाई सीधा। चलो हो गया लगता है इस कमरे का। एक सेकंड, ट्रेजर है ना यहाँ पे। Come here. काफी बड़ा माल हाथ लगने वाला है यहाँ पे। रॉ मटेरियल्स, रैम्पेज, ओके। कंप्लीट योर फर्स्ट रेड इन इंग्लैंड। वो तो रेड तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी ये चल रहे। मेरा एक भाई, मेरा एक दोस्त। Ava, give me a hand. अरे ये तो हो गया लेडी। ये क्या था? चलो भाई, तो हमारे पास अच्छी खासी सप्लाईज हाथ में आ गई है। अब अपन जाके वापस बनाते हैं गुनार को, उसके फोर्ज को, ताकि हमारे वेपन्स और गियर्स वगैरह अपग्रेड हो सकें। अभी भी लेकिन यहाँ कुछ और बचे हुए हैं, उन्हें भी लूटते हुए चलते हैं। हट जाओ सालो, आम लोगों से कोई बैर नहीं है हमें। और कुछ? ये सब भी करना पड़ेगा यार, इन लोगों को तोड़ते जाओ। चिल्लर मिल रहा है ना, सब जरूरी है। चलिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भाई, और वो नीचे है अंडरग्राउंड। इस झोपड़ी के अंदर होगा पक्का रास्ता। एमओ फुल, ओ बढ़िया। कुछ भी क्यों छोड़ना, रेसिडेंट नोट्स एवरीवन, जो भी हो, सिकनेस फैली हुई है लग रहा है यहाँ पर कुछ, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। ओके, तो इस मोनेस्ट्री में जो कुछ भी था
सब हमने हड़प लिया है, अब चलते हैं वापस अपने सेटलमेंट पे। गुनार को अपग्रेड कर देते हैं उसके फोर्ज को। चलो फिर। ओके दोस्तों, तो अपने सेटलमेंट में अपन पहुंचने ही वाले हैं। तो अपनी रेड सक्सेसफुल रही, काफ़ी सारी सप्लाईज हमारे हाथ में आई है, कुछ ट्रेजर्स हमारे हाथ में आए हैं, प्लस लगाना कहाँ है शिप को। ओके, कुछ छोटे मोटे साइड क्वेस्ट भी कर लिए हमने, एक दो फन के लिए बस, उनका इन मेन क्वेस्ट से कोई लेना देना तो है नहीं वैसे, पर स्किल पॉइंट्स तो मिलते हैं ना उससे, हमारी एक्सपी बढ़ती है। चलो भाई, अब सीधा गनर से मिलने का टाइम है, और इसे जो ये टेंट है इसका, उसे अपग्रेड करने का टाइम है। Back so soon. तो हमें अपग्रेड करने के लिए 400 सप्लाईज और 30 ट्रेजर्स या जो भी है ये चाहिए, जो कि हमारे पास है, काफ़ी है। तो बिल्डिंग कंप्लीट, ब्लैक स्मिथ देखा। दिस इज वंडरफुल एवर, अ फोर्ज बिगर एंड हॉटर देन माय ओल्ड फोर्ज बैक इन फोनबर्ग। कम विजिट मी एनी टाइम फॉर वेपन्स एंड गियर, देयर इज नो मैन बेटर देन मी। ओह आई विल गन, क्या बात है, हैव नो डाउट, बिल्कुल जरूर आएंगे। एवर बिल्डिंग द सेटलमेंट, तो हमें ऐसी रेट्स करने हैं, सप्लाईज और रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करना है, ताकि हमारा जो ये पूरा सेटलमेंट है उसको हम बिल्डअप कर सके, अपग्रेड कर सके। तो देखो, पहले एक छोटा सा कैंप वो था, टेंट ही है, अब अच्छा खासा मतलब वो बन गया है, घर जैसा बड़ा सा दुकान टाइप का पक्का। और हम कभी भी आ सकते हैं इसके पास अपने वेपन्स और गियर्स को अपग्रेड करने के लिए। ये वैसा ही है जैसे हम RDR2 में किए थे, वहाँ भी हम एक कैंप लगाते थे, उसमें अलग अलग चीज़ें थी, दवाइयों के लिए, वेपन्स वगैरह, खाने पीने के लिए। ठीक, ये वैसा ही है, इन्हें भी एक एक करके सबको अपग्रेड करना पड़ेगा हमें। तो स्पीक टू सिगर्ट, सिगर्ट से बात करनी है, पर है कहाँ ये, लॉन्ग हाउस में चलते हैं, मिल लेते हैं उससे। राशन फूल है अपने, हेलो, कोई है भाई यहाँ पे, ये रहा। Eivor, in here. What will you keep in this room? My finest weapon. Oh, वो क्या है? This room is yours. Oh, भाई. Here you may lay your head. Long house में अपना personal room रहेगा एक. Alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well. But I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. पर रूम में अपन टिकने वाले हैं क्या? अपना पूरा टाइम तो रेडिंग में जाएगा। I want you here in the longhouse, close at hand. I may be the jarl of this clan, but you and I lead together as ever. भाई सीगर हमारा पूरा वो करता है, रिस्पेक्ट करता है। Ready, meet me at the stables. Okay. करना क्या है लेकिन यहाँ पे? Raventhorpe's status encampment. Okay, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह अपग्रेड हुई है कि नहीं, मतलब हर एक एक जगह को हम क्या वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ये क्या है? A letter box for messages and requests. तो कोई, ये एक लेटर बॉक्स है हमारे लिए, कोई भी हमें जो नया मैसेज आएगा, कोई नया लेटर आएगा वो यहीं आएगा, और शायद एक आ चुका है। रीड सीगर्स लेटर, सीगर ने क्यों लेटर लिखा है भाई, वो तो सामने है हमारे। ओके, तो सीगर्ड ने बस हमें ये बताया कि इसने हमारे लिए एक रूम छोड़ा हुआ है, यहाँ हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें रहेंगी। और सीगर्ड ने हमको ये भी कहा है कि इस पूरी जगह पे, यानी इंग्लैंड में, हमें घूम घूम के एलाइज और दोस्त बनाने हैं, ताकि हम इस पूरी जगह पे अपना वर्चस्व कायम कर सकें। बस इतना सा था, और बाकी जो है लेटर्स वगैरह वो तो ऐसे ही मिलते जाएंगे हमें यहीं। और एक भाई हमारा बिस्तर भी यहाँ पे, तो एक नींद क्यों ना मार लें, वैसे इतनी बड़ी रेड करके काफ़ी थक गए हैं। और यहाँ हम रिकवर भी कर सकते हैं अपनी हेल्थ वगैरह। चलो यार, वैसे भी रात हो चुकी है, सो लेते हैं एक, बस इसे फिर से वो विजन्स ना आने लग जाएं, क्योंकि इस बार यहाँ अभी स्वाला भी नहीं है। तो सुबह हो गई है, तरोताज़ा फ्रेश। अब चलते हैं, सीगर ने हमको बुलाया था कि जब भी हम रेडी होंगे उससे आके मिलेंगे। Not much. But it is mine. और क्या भाई, ज़्यादा नियत क्या हो गया, मेरा तो है, अपना तो है,
सीगढ़ है कहाँ? सीगढ़ से मिलना है हमें। एक सेकंड, ये क्या है यार? खाना खाना खा के चलें क्या? हाँ, RDR2 में भी ऐसा ही था। अरे खा ले भाई। अच्छा सिर्फ बनाना बस है क्या? ना ना, यहाँ पे भी तो है कुछ बैठ के खाने का, पीने का है ये। अच्छा सिर्फ बैठने का है, छोड़ो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। कहाँ ना, अभी जीरो है पूरे अपन। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो ऐसी। ये बच्ची खेल रही है अपना, खेलने दो इसे। चलते हैं थोड़ा, स्टेबल के पास है वो। The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. But why now? Please, this must be done. Yes, and I can. What was that about? Is Basim leaving us already? Basim कहाँ जा रहा है नहीं पता। Well. Is that true? और सीगर्ड भी कहीं जा रहा है। We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. और क्या, अभी आ सकते हैं? Not yet. First, speak with Randvi. She has more than one task for you here. Okay, तो रणवी के पास हमारे लिए टास्क है। Growing this settlement, you must seek out alliances as well. वो तो लेटर में पढ़ लिया था। We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. सुन लिया, हाँ मैं कमांडर यहाँ पे सीगर्ड के एब्सेंस में। I will follow as soon as. तुझे हमारी बात फॉलो करनी पड़ेगी। Yes, and I will keep our raiders sharp. भाई ये आदमी ना सर का दर्द बनने वाला है, पक्का। Eivor commands. इसकी हरकतों से लग गया है। ये हमको नहीं चाहता बिल्कुल भी। I would sooner take orders from a louse. मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सीगढ़ जब तक नहीं रह गया, बहुत जल्द ईवर और इस आदमी के बीच में एक पंगा होने वाला है, वर्चस्व को लेके, लीडरशिप को लेके। और अब ये क्या है यार? मल्टीपल, ये था क्या कुछ ट्रेजर, कुछ रिवर टू रेड क्वेस्ट? बिट स्पेयर्ड जस्ट नाउ, बट इफ यू कैन बिल्ड मी समथिंग बेटर, आई प्रॉमिस यू द फाइनेस्ट ऑफ बीस्ट्स। अ बसलिंग स्टेबल वुड बी अ ग्रेट बून हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। भाई ये चाहता है कि हम इसे स्टेबल को और बिल्ड कर दें, ताकि और नए प्रकार के माउंट भी आ सके इसके पास। खैर वो करेंगे, अभी बढ़ते हैं आगे। तो सीगर्ड तो निकल गया लेडेस्टरशायर में, और बासिम भी कहीं चले गया, वो अपने काम से गया है। मुझे लगता है वो कहाँ गया, वो तो उसका तो एक ही मकसद है, बस ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट को ख़त्म करना। खैर जब तक सीगढ़ यहाँ नहीं रहता, तब तक हम यहाँ के कमांडर हैं। और हमें अब रणवी के पास भी जाना है, उसके पास भी हमारे लिए कोई टास्क है। ए कुत्ता कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा, भागे जा रहे है। चलते हैं रणवी से मिल लेते एक बार, क्या टास्क है उसके पास हमारे लिए। और भाई सीगढ़ ने साफ बता दिया हमको कि अगर इंग्लैंड में अपना सिक्का जमाना है, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के किंग वगैरह जो भी हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर लो। इतने कम फ्रेंड के साथ हम पूरे इंग्लैंड पे वो नहीं कर सकते अपना वर्चस्व कायम, बस वही तो करना है हमें। चलते हैं एक बार मिल लेते हैं, क्या टास्क है इसके पास हमारे लिए। अलायंस मैप। देयर यू आर। यू वांटेड टू सी मी। As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances. I am clad with every Norse, Dane and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Bilkul. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. Perfect. बढ़िया, ये तरीका सही रहेगा। You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok.
or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him. इतनी सारी चीजें बोल दी इसने, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है. भूल गया मैं क्या क्या बोला इसने. तो ये जो है रेनवी, इसके कई सारे वो हैं स्काउट्स इसके साथ ही, जो पूरा फैला है इंग्लैंड में, और वो हमें बताते हैं कि किस टेरिटरी में हमें जाके वो करना है, पैसिफाई करना है उनको, अपना अलाई बनाना है. हाइथम को भी कुछ चाहिए हमसे, वो भी उसकी भी कुछ रिसर्च है वो कर रहा है, शायद ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट के को लेकर होगी, तो उसे भी हमारी हेल्प चाहिए. तो अभी दो या तीन जगह हैं जहां हम जा सकते हैं एक एक करके, वो हमारे ऊपर है कि कहां जाना है हमें. या तो हम लेडेस्टर शायर चले जाएं जहां सीगर्ड गया है, या फिर एक ग्रैंड ब्रिज शायर भी है जहां किसी सोमा और गुथरम से मिलना है हमें, वहां जा सकते हैं. तो पहले तो एक बार मैप देख लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं. तो ये अलायंस मैप है सेटअप. तो अगर हमें इंग्लैंड में अपने सेटलमेंट को बढ़ाना है, और तो हमें यहाँ पे अलायंस बनाने पड़ेंगे, किसी एक टेरिटरी पे हमको प्लेज करना पड़ेगा, उनकी जाके हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम उनसे अलायंस बढ़ा सकें. और जैसे जैसे हम एक एक टेरिटरी को अपनी अलायंस बनाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरी टेरिटरीज भी हमारे लिए खुलती जाएंगी. बढ़िया. तो दो जगह आ रही है हमारे पास सबसे पहले, एक तो ये लेडेस्टरशायर और एक ग्रैंड ब्रिज शायर. यहाँ तो सीगर्ड गया ही है, तो यहाँ जाना मेरे ख्याल से अभी सही नहीं रहेगा. सीगर्ड को जाने दो यहाँ पे, अपन यहाँ चलते हैं ग्रैंड ब्रिज शायर. यहाँ हमें अपना पहला अलायंस बनाना है. Tell me about Grantabridgeshire. A force of Danes called the Summer Army by the Saxons is camped north of Grantabridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. तो कुछ डेन्स की आर्मी है या कुछ वाइकिंग्स की आर्मी जो पहले यहाँ इंग्लैंड आ चुकी थी, अब वो गए हैं यहाँ पे ग्रैंड ब्रिज शहर में जहाँ ये इन्हें हमारी ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प कर सकते हैं हम अलायंस बनाने में. तो पहले यहीं चलते हैं, सोमा से मिलना है हमें. तो पहली टेरिटरी भाई हमने प्लेज की है जो ग्रैंड ब्रिज शायर. I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. अरे बिल्कुल, 1700 एक्सपी मिला है भाई. एनिमस चोरल यू रिसीव. चलो ये सब करते रहेंगे अपन, चलते हैं आगे. और ये वाला जो वेपन मिला है यार, देख रहे हो क्या बढ़िया है, ये फ्री में मिला है, यूबीसॉफ्ट की तरफ से मिला है ये, क्या बढ़िया लग रहा है. और एक चीज़ और जो अपने पास नया स्किल आया है, ये कभी भी अपन ऐसे बदल सकते हैं, है कि नहीं, बढ़िया गजब यार. चलो बढ़ते हैं आगे. लेकिन मैं एक बात सोच रहा था नई टेरिटरी पे जाने से पहले, एक सेकंड बिल्लू, अरे बिल्लू भागा. अरे इसे पैट नहीं कर सकते क्या? चलो छोड़ो यार. तो नई टेरिटरी पे जाने से पहले क्यों ना अपनी जो सेटलमेंट है उसको कुछ बनाया जाए. हाइथम से एक बार मिल लेते हैं, उसके पास हमारे लिए कुछ है जो कि हेल्प आ सकता है हमको. हेलो, बात करनी है? नहीं करनी है, करनी है. Hytham, Randvi asked me to see you about finding friends in the cities of England. That's right. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belong. Oh. But their reach extends much further than this. तो भाई इन दोनों का यही काम है, बासीम और हैतम का. England is the most over. इसने लगता है पूरा इंग्लैंड घूम लिया है पहले से. Kjotve caused in Norway. Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Oh. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. अरे बिल्कुल, see what I can do. बिल्कुल बनाएंगे यार. तो ये जो है हाइथम और बासिम, ये दोनों लगे हुए हैं ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट को हंट करने में. और हाइथम हमें बता रहा है कि भाई पूरे इंग्लैंड में ऑर्डर फैल चुका है,
क्योंकि 400 सालों से हिडन वंस यहाँ से गायब थे रोमन एम्पायर के बाद, तो तब से अभी यहाँ पे ऑर्डर मजबूत हो गया है, वो लोगों को भड़काता है और लड़वाता है उनको पावर के लिए, तो हमें इसकी मदद पहले करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसको बिल्डअप कर देना चाहिए हमें इसे सेटलमेंट को। 430 ना, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई है। खैर लेकिन ये भी ज़रूरी है, This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it for as long as you live among us. भाई जब तक हमको फायदा हो रहा है तब तक क्यों ना? We have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. Eradicate them where they are strongest, and the alliances you seek will be far easier to come by. In London, they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranri about your idea. Get her thoughts. Good. Yet before you do, there is something else. A gift I wish to share. Oh, kya baat hai, ek aur gift? I cannot show you here. To? Will you walk with me? Chalo bhai, kya pata kya dikhana chahta hai ye? I will. Lead on. Ah, lekin bhai humko ek nayi territory bhi jana hai na, pledge karne, wo alliance banane wahan pe. A letter to Haitham, pad lena bhai. Hear heaviness to your breathing, Haitham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid. There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy then. तो तूने क्योतवियों को अटैक किया है क्यों बीच में? Of course. अभी तक ये लगता है ठीक हुआ नहीं है। My mentor. You would risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you do. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes, a doubt. भाई ये हिडन वंस वाले काफी चालाक होते हैं, वो समझ जाते हैं आपको देख के। Only an observation. आदमी की फितरत क्या है, चाहत वगैरह सब भांप लेते हैं मतलब किसी आदमी को ये। Are you well enough to steer this boat? I am. Have no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. अबे पर लेके कहाँ जा रहा है हमें? Rather quickly. And what is this gift you wish to give me? कोई हथियार? Come from me. It is a gift you must give yourself. More riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. तो? It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. तो वही तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. Oh. It is one of our brotherhood's most sacred rites. तो ये हमें leap of faith की ट्यूटोरियल देने वाला भाई। Enemies, but an act we embrace to strengthen our resolve. चलो ठीक है, meditation. कर ही लेते हैं अब leap of faith. Steadies our hands and purges fear from our hearts. बिल्कुल, डर को अपने दिल से निकाल दो leap of faith करने से पहले। उसका नाम ही है भाई leap of faith. We are climbing a rather steep hill. There it is again, the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me. ये लगता है हमको पूरा हिडन वंस का मेंबर बना के ही छोड़ेगा। Please tell me if I'm near the mark. And spoil the surprise. हाँ भाई, स्पॉइलर नहीं देना है ना कोई। Leap of faith. You must give yourself. जो हो रहा है बस होने दो। Something greater. The gods. Yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this. And you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of ये बात तो सही है, एक बार आपने leap of faith कर लिया ना तो तुम्हारे दिल से पूरी पूरा जो डर है वो निकल जाएगा। तो भाई पहुंच गया अपन चोटी पर, यहां से कूद कर दिखाएगा हाइथम पहले। My word, you must follow. Lean into your faith, into your strength, and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away.
thank you for the lesson, but डेमो दे उसे यकीन नहीं आ रहा है अभी ई वॉर को. हाइथम लो भाई कूद गया वो अवार्ड. हाइथम पिक-हेडेड फूल आर यू इंजर्ड? यू सी माय फेथ ग्रो स्ट्रॉन्गर देन माय फियर एंड दैट लोम कुशन्ड योर फॉल. एवर आई हैव नॉट सीन दिस साइड ऑफ यू बिफोर. डू नॉट फीड योर फियर, कॉन्कर इट. वही तो डर के आगे जीत है. पर जरा सा भी यहां वहां हुआ ना तो भाई हमारी चटनी बन जाएगी. लगा भाई अब क्या करें. अबे मैं मर गया क्या? रुको 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 कुछ होने वाला है. A4, are you well? A4, speak. Oh dear, this is not how I foresaw things. Not at all. Dear God, Basim will have my head for this. चलो भाई ज़्यादा डराते नहीं हैं इसको. Yeah. A perfect fall. And how did it feel? मज़ा आ गया. एक बार और करना है क्या? It was madness and vigor, a purging of fear, a gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor. For hearing me out. चलें फिर वापस. This leap of faith, a sacred rite. ये हमें बस एक leap of faith सिखाना चाहता था. As far as I know, क्योंकि अब ये काम आने वाला है. It is a rite of initiation that dates back to just before the birth. अब जहाँ भी synchronize करेंगे वहाँ से leap of faith ही करेंगे. To initiate me? I might try if I believed you would join, but that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The Order of Ancients. Yes. You remember the medallion you took from Kjotve's body? Uh-huh. That is their symbol. Oh. They are a plague, one we hope to purge from this world. Okay. Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world. वो तो पता है हमें. Not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this order. Sigurd and I want the same. A land to call our own, and the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The order has no honor, no principles. No humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan, then it may be in my interest to give you aid. वाकई में अब अपने क्लैन की बात आ गई है ना. हमको अगर इंग्लैंड पे अलायंस बनाना है और अपने क्लैन को बचा के रखना है तो इस ऑर्डर को तो खत्म करना ही पड़ेगा. You may think this land ruled by harmless jarls and bumbling thanes, yet look more closely and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. हाँ सुन रहा हूँ. From fishmonger to the richest merchants, from wealthy thanes to useless kings, the Order has corrupted all. तो भाई ये पूरा Order ने सबको corrupt कर दिया, अमीर से अमीर आदमी को. To locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. अरे तो पता कैसे चलेगा भाई कौन ऑर्डर का मेंबर है कि कौन नहीं है? And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. Okay, तो लंदन में पहला मिलेगा हमें. The Order is working now to seize the city. I will speak with Randvi about this. And while you're there, हाँ, उससे तो बात करनी पड़ेगी. Look out for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were 6, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. चलो तो पूरे इंग्लैंड में 6 सिंबल्स हैं हिडन वंस के, उन्हें ढूंढना है हमें और जो पेपर वहां से मिलेगा वो हमें लाकर इसे देनी है. ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स वही सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरा इन्फिल्ट्रेट कर रही है ऑन द वर्ल्ड. ज़िलोट्स जो मर्सिनरीज हैं, जो हायर्ड मर्सिनरीज हैं, वो भी ऑर्डर के मेंबर हो सकते हैं. उन्हें भी आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है. क्लूज कैन बी अर्न्ड बाय फोर्जिंग अलायंस. तो हमें जो क्लूज मिलते रहेंगे अलायंस बनाते समय और पूरे इंग्लैंड को एक्सप्लोर करते समय, वो हमारी मदद करेंगे इन ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट के मेंबर्स को ढूंढने में. तो भाई इतने सारे हैं ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है 50-50 लग रहा है मुझे ये. तो ये 50 हैं पूरे, इनको ख़त्म करना है. द टैंग एक क्लू मिला है इसका, द क्रोजियर इसका भी एक क्लू मिल गया हमें, बाकी एक एक क्लू ही मिला है. लीफिकल जो भी नाम है इसका, एक को तो मार दिया हमने जो क्योतवे था, बाकी इसका पूरा क्लू मिल चुका है हमें.
तो इसे हम टारगेट करके अभी जा सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो। ना ना ना, ये तो यहीं पे है ग्रैंड ब्रिज शायर में, इसे मार सकते हैं हम यहीं पे, वार्डन ऑफ वॉर। और दूसरा ये है, ये लेट सेस्टर शायर में जहाँ अभी सिगड़ गया है, इसे भी ख़त्म कर सकते हैं अपन। बढ़िया है, चलते हैं। लेकिन पहले अपना काम तो कर लें, हमें ग्रैंड ब्रिज शायर में जाके सोमा से मिलना है, बाकी फिर जो रास्ते में आता रहेगा उसे तो हम ख़त्म करते ही रहेंगे, ब्रेकिंग द ऑर्डर। तो ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं अब सीधा। तो हमें एक समर आर्मी से मिलना है, उसके लीडर से जो कि लगा हुआ है वहाँ पे, शायद इन इंग्लैंड वालों के खिलाफ। देखते हैं उन्हें क्या मदद चाहिए हमारी और हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो भाई सीधा चलते हैं बिना देरी किए हुए, और वहाँ जाने से पहले भाई मैंने सारी बेरियाज वगैरह इकट्ठी कर ली, अपना राशन फुल कर दिया, और गनर के पास जाके मैंने अपना पूरा अपग्रेड कर लिया अपने गियर्स को, अपने वेपन्स को। तो अब ठीक ठाक पावर लेवल पे हैं अपन, भिड़ने को तैयार हैं, और नई नई चुनौतियों और नए दुश्मनों से टकराने को भी तैयार हैं अपन। तो चलते हैं। चलो फिर, वो आदमी हमको यहीं मिलेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन का भी पॉइंट है, चलते हैं देखते हैं कौन है वो लीडर यहाँ का और क्या हेल्प चाहिए उसे हमारी। भाई यहाँ पे ओर वगैरह भी काफ़ी मिलेंगे चट्टानों पे, तो उन्हें भी इकट्ठा करते हुए ही चलेंगे अपन रास्ते में, इतना हो सके सब उठाने। जियोरोली पोंटे, ये एंशियंट रूइंस है, ये किला रोमन आर्मी का बनाया हुआ शायद। रात हो रही है कि सुबह हो रही है भाई? ये वो पूरी आर्मी है ऊपर कुछ है, एक सेकंड ले लेता हूँ इसे पहले, बाद में बात करूँगा इससे। इन लोग रुक भी सकते हैं अभी, कोई वो नहीं है हड़बड़ी करना। मैग्नीस रिपोर्ट सेक्शन डजन ऑफ देम, तो काफ़ी सारे सेक्शंस ने इन पे अटैक कर दिया, इनको पता नहीं कहाँ से आए, वो पूरी प्लानिंग बना के आए थे और इनको धर लिया। बस वही है, इनको मदद करनी है हमें। इतना ऊंचा चढ़ रहा हूँ मैं तो ऊपर, वो भी तो है एक सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट, वो भी कर लेते हैं। फास्ट ट्रैवल भाई, कौन ट्रैवल करता रहेगा नहीं तो यहाँ पे बोट पे, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, उससे अच्छा फास्ट ट्रैवल ही करो। और ये सब भी तो मिल रहा है, इन्हें कोई कैसे छोड़ेगा। तो रात हो रही है, रात में अटैक करने का अलग ही मजा है। लीप ऑफ फेथ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेजर है ना, उसे ले लेते हैं। उतर जा आराम से। यही तो खूबी है असैसिन की। ओह क्या है ये? अच्छा भाई, पूरा राशन इकट्ठा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। चलो मिल गया जो मिलना था, अब चलते हैं बात करते हैं यहाँ के लीडर से। फुल मून नाइट तो देखो यहाँ की, गजब भाई क्या सुंदर लग रहा है। तो हेलो मिस्टर, हेल, व्हाट हैज हैपेंड हियर, हु इज आस्किंग? ईवर ऑफ रेवनथोर of Raven Clan. Did you and your men fail to take the village? No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of waterland daub huts when we came. We made it lively. Grantbridge was a thriving hub of trade and song under the care of Soma Ayalskona. But the Saxons took it back.
They appeared within the city as if rising from the shadows and drove us out. Alright, तो पहले जगह जो थी वो किसी सोमा यालकर जो भी ये नाम लिया उसने सोमा का नाम लिया उसकी थी ये जगह और तब अच्छी खासी चल रही थी ये जगह मतलब खुशहाल थी और तभी अचानक से सैक्सन्स की एक आर्मी की टुकड़ी ने अटैक कर दिया और इनको भगा के पूरे जगह पे कब्जा कर लिया. They just appeared in the city. It was like they burst out of the center of the city itself, setting aflame everything in their path, shouting some nonsense about an ancient order of warriors. Oh. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. काफी सारे लोग इनके कैप्चर हो चुके हैं. She bellowed a retreat and we took refuge in the ruins. But in the chaos, we were separated. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Soma. Be ready when we return. बिल्कुल हम ढूंढेंगे सोमा को और उसके बाद हम मिलके वापस ये किले को लेंगे. That's your best bet. तो उस तरफ होगी कहीं पे द सॉन्ग ऑफ सोमा ग्रैंड ब्रिज शायर आर्क स्टार्ट है. तो एक आर्क स्टार्ट हो गया है और हमें अब ये सोमा को ढूंढना है उसकी लॉन्ग शिप में जाना है. ऑर्डर का एक क्लू भी मिला है हमें. चलते हैं ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी वो क्योंकि उसका होना ज़रूरी है. उसके पास एक आर्मी भी है वो हेल्प करेगी हमारी. काफ़ी लॉन्ग स्लाइड हो गई है. अबे तेरा हाथ तो घिस नहीं गया. एक सेकंड. अच्छा ये है ना मेरी सिप. ओके चलो फिर. अबे एक सेकंड ये क्या है. ओ यही पहुंचना है क्या हमें. अच्छा रेड करनी है पहले हमें. चलो फिर हो जाए रेड. टू बैडल ऐसा मुझे लग रहा था भाई असासिन की तरह काम करते. अच्छा जो कब्जे में है लोग उन्हें छुड़ाना है सोमा के. छुड़ाओ इनको हेल्प करेंगे ना ये. अबे रुक जा ले. आ रहा हूँ हेल्प करने आ रहा हूँ मैं. रुक जा थॉम तो करने दे मुझे. बढ़िया सर ब्लॉक अच्छा करते हैं इन लोग. देख रहे हो क्या ब्लॉक कर रहे हो भाले से. आ जा भाई ब्लॉक बड़ा गंदा करते हैं इन लोग लेकिन मानना पड़ेगा एक बात. क्या मैं ब्लॉक करना छोड़ दिया हूँ मतलब. ले पूरी ब्रूटल सर ही अलग कर दिया भाई उसका. रिवाइव करो जल्दी. हो गया क्या यहाँ का काम. ओके तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें सोमा को. यहीं कहीं होगी वो. इनका पीछा करते हैं यही लेकर जाएंगे हमें. ले अभी मरा नहीं है ये. चलो तो हो गया लगता है यहाँ का काम. चलते हैं वापस शिप पे और सामने एक ऑर्डर का मेंबर भी है. वो देखो नक्शे पे 200 मीटर पे है बस निपटा सकते हैं उसे. Sure Yal's Kona nearby. Not here. Soma dragged the Saxons east from her longship to tire them out and lose them in the fog. ओह क्या बात है तो उन्हें ईस्ट की तरफ बांध के ले गया गए. चलते हैं फाइंड एंड स्पीक टू सोमा. ये पूर्व की तरफ जाना है हमें. अपनी लॉन्ग शिप है कहाँ यार. This was a fine longship, fit for a chief. It must belong to Soma.
तो ये सोमा की इसी पर। चलो यहाँ का काम तो हो गया, बढ़ते हैं आगे। तो ये सारे वो सोमा के ही लोग हैं, मरे पड़े हैं यहाँ पे। तो भाई वो बोला था ईस्ट की तरफ गई है वो, मैं ईस्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। एक सेकंड, यही है लगता है, यही है। सारे जंग में घायल लोग हैं, इन लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे। जाना कहाँ यार मुझे, एक तो हाँ ये है, सॉरी अभी आया ये। तो ये है सोमा, यहाँ की लीडर। Slap some moss on that gash and wrap it well. Eggle, look at me. Remember the boars you felled our first day in England? All his arms. 9. Large and fat. Sare ghayal. For a week. Yeah. Arre teri. Uska takhna dislocate ho gaya tha. Hello. You come like a valkyrie out of the fog. We have no dead to give you. You must be chahiye bhi nahi hame. Let's talk elsewhere. Give them a chance to rest. Koi baat nahi. Chalo, thoda alag jaake baat karte hain. Yahan pe logon ko, sipahiyon ko aaram karne do. Quite a hit you took. How many were lost? It's kind of you to ask, but with so much blood in the water and death on the air, I'd know your name and purpose first. Eivor of the Raven Clan. I came for you, looking for a friend and ally. I see. ठोक बजा के परख के ही भाई आगे बढ़ेगी ये। Though it seems an order of lunatics wishes to strip me of that title. The Order of the Ancients? Sounds right. The Saxon called Wigmund is one of them. He robbed me of my city, forced us into these swamps. I've rallied some of my soldiers, but my 3 advisors are missing. If we hope to retake Grantbridge, I'll need them at my side. Tell me about them. They are my best, my inner circle. Birna, Galin, Liv. We may as well be of the same blood. If I can reunite them and we retake your city, can I call you a friend and ally? If you can do all that, you can call me whatever you want. Oh boy, बढ़िया। चलो तो यहाँ हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी का अलाई बनना है तो सबसे पहले उसकी मदद करनी पड़ेगी और उसको अपने भरोसे में लेना पड़ेगा, तब जाके वो अपना अलायंस आपको देगा। तो उसी चक्कर में ये जो सोमा है, ये इस जगह, इस यहाँ के किले की वो थी, किंग थी या क्वीन थी जो भी है। एक विंगमंड नाम के आदमी ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर आक्रमण किया और इसे हटा के खुद कब्जा कर लिया उस किले पर। तो हमें उस किले को छुड़वाना है, पर उस किले को छुड़वाने से पहले जो सोमा के 3 खास लोग हैं जिसका उसने नाम लिया, उसके दोस्त हैं या एक यूँ कहे कि सलाहकार हैं, उसके खास आदमी हैं, जो उनको छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि वो भी कैद में हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले तो ये विगमंड है कौन? Who is this Wigmund? What does he want? He's a flailing elderman under the old king. A bitter man digging his fingernails into Grantbridge just to say he can. He's made many attempts to unseat me before. This time he managed a trick. तो विगमंड के ऊपर भी एक किंग है। What happened to Grantbridge? The elder man Wigmund seized it from us. I'm not sure how he managed, but he will not keep it, not for long. कोई बात नहीं, उसे लेकर रहेंगे वापस। But this attack seemed to come from inside the walls, from the heart of Grantbridge. तो अंदर के लोगों ने ही वो किया है, सैबोटाज या भीतराघात जिसे कहते हैं। और ये भाई एक ही करवा सकता है, ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट वही करवा सकता है ये सब। Let's find your advisors. चलो तो जो 3 एडवाइजर्स है जिसका नाम लिया सोमा ने, उन्हें ढूंढना पड़ेगा हमें। Swift, we will find them before the wolves do. चलो फिर। The fog is more hindrance than hiding place now. Let's light the way back. क्या बात है, इसे जलाना पड़ेगा हमें। ओपन ऑर्डर मेनू। तो ये जो विगमेंट है वो ऑर्डर का ही बंदा है, तो उसे तो खत्म करना बनता ही है। सबसे पहले हमें वहाँ जो लाइट जल रही है ना उसे जलाना पड़ेगा, सॉरी वो जो ब्रेजियर है ना उसे जलाना पड़ेगा। चलते हैं, और भी काफ़ी कुछ है इस जगह पे, उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं पहले। और फंस ऑफ द फैंस,
चढ़ जा भाई जल्दी। अबे नीचे तो उतर। लेटर टू यू, जो भी हो। एक चाबी है यहाँ पे, नहीं पता किसकी है। क्या खुलेगा इससे? मिडिल्टन डोर की, कोई डोर खुलेगी इससे, पर अभी के लिए तो इसे जलाना है। ये लगता है संदेश है, सिग्नल देगा ये किसी को शायद, पर इससे हमारे दुश्मन को भी ना सिग्नल मिल जाए। चलो तो सोमा के एडवाइजर को बचाने चलते हैं एक एक करके। Vital to retake in the city. Do you think it's foolish? Not at all. Then why would I? You have the look of one who does well with solitude. You're alone, a wanderer. It may be you think of soldiers as war fodder and little else, but these warriors are more than a blade and shield. They are my family, nothing short. I've lost. यहाँ का था यार वो दरवाजा। I will not lose them too. I understand. इस दरवाजे की थी वो। If your people yet live, we'll find them. चलो तो ज़्यादा दूर नहीं है वो तीनों। एक सेकेंड, क्या हुआ ये? ये कहाँ से आया? ओ भाई सुअर है ये, कर दिया अटैक। मार साले को, ले ले काटा। अबे वो तो बह गया नीचे से। थोड़ा सा ग्लिच हुआ है यहाँ पे जो भी है, लेकिन कोई बात नहीं। चला जा सुमा, आ जाओ बचाते हैं आपके लोगों को। दो यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, एक 282 ये पास वाला है। एक एक करके चलते हैं और रास्ते में शिकार वगैरह भी करते रहते हैं। लेदर भी चाहिए ना भाई, अपना अपग्रेड करेंगे। ओ भागा एक, एक सेकंड एक सेकंड, सामने एक और सुअर है। लगी साले को, ले ले। ओ, गलत गलत मुंह पीछे उसका। अरे भाई जो भी था ये, लोकेट। एक वो है, एक शायद और आगे कहीं होगा। चलो चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। क्या बज रहा है यार ये? एक और सुअर, कितने सुअर है भाई यहाँ पे? भागा, आएगा ना वापस? वापस तो आएगा ही। ये सही था, चीर दिया गला। पर अब सुअर के पीछे नहीं रहना है हमको, आगे बढ़ना है। चलो तो इसको पार करके आगे कैंप है उनका, पर एकदम आराम से जाना पड़ेगा ना। उनको भड़क नहीं होनी चाहिए वरना मार देंगे उन लोग। आजा आजा, छुप के रहे। आजा अंदर आ। ओ भाई बढ़िया, लेकिन अभी भी बहुत है यार। वो आदमी कहाँ है अपना? नहीं सुन रहा तो भाई तीर से मारना पड़ेगा इन लोगों को। वो है अपने कुछ लोग। ना ना कोई देख रहा है, थोड़ा इसकी आड़ में आता हूँ, अब नहीं देख पाएगा। देख लिया क्या? ओ भाई देख लिया इसने। चलो 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 कोई बात नहीं, आने दो इसे। अबे आ जल्दी, दो दो आ रहे हैं भाई। ये सोमा है कहाँ? अच्छा यहीं है ना, चलो ठीक है। आ जा जल्दी यार, क्या यार इतना नखरा करते हैं इन लोग। आ रहे हैं तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक आए। उसको पता नहीं है अभी।
तो पता चल गया इसे। आराम से आराम से, हल्ला नहीं। एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, लगी उसके पांव में। ले बचेगा इससे। आजा आजा, मार 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 मार, ये बढ़िया था ना। ले तेरा तलवार तेरे ही अंदर। ये है शायद वो आदमी। If you would be so kind, I've had quite the day. Look through the fog, Leaf. अब ये मत बोलना कि उठा के ले जाना इसे। Our camp is at its base. We'll return when we found the others. Head straight to the camp and see that everyone's shipshape. बिल्कुल, जा भाई सीधा कैंप पे जा। He's a proper man, isn't he? He lives by a strict code of honor, more than most, and builds the best longships I've ever sailed. चलो तो एक को तो निपटा दिया हमने, दूसरा कहाँ है? दूसरा यही है। But he's wise and canny and hard to pin down, like a fish wriggling free of a net. अरे हाँ हाँ समझ गया, बढ़िया आदमी है। दूसरा भी ज्यादा दूर नहीं है, उसे भी बचाना है हमें। एक सेकंड, मुझे पता नहीं चला किसे बचाया मैंने, क्या नाम था उसका। खैर नाम वाम अपन देखते रहेंगे बाद में, पहले ये तीसरे को दूसरे को बचाते हैं। ये वाला तो शायद बहुत दूर पड़े, ये दूर है, ये थोड़ा पास पड़ेगा। ये इस जगह चलते हैं। चलो छुप के थे इन लोग। लो भाई उसने, ले बस बस बस, हो गया भाई हो गया। ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बचा के चलना है। Wolves, they've surrounded someone. Must be careful. यहाँ भेड़िए भी हैं। अरे यार इन भेड़िए ने हमारी पोल खोल दी। तो भाई यहाँ आदमी नहीं है, यहाँ सिर्फ भेड़िए हैं। एबिलिटी, मेरी एबिलिटी खा गया एक। चलो और कोई है? चलो आ जाओ, कभी अकेले तो रहते नहीं है। एक के एक साथ चार आते हैं इन लोग हमेशा। आ गया आ गया आ गया, तो ये दूसरा है। Galen. Galen, इसका नाम Galen है। What happened here? Saxons chased me into the fog, ran me smack into a nest of bandits. But Freya was on my side, and I saw them before they saw me. Are you the only one of your crew left standing? I am, and hardly standing myself. But with the blessings of Odin and Freya, they'll be. ये अपने क्रू का इकलौता बचा हुआ है। इस पे भी वैसे ही अटैक किया गया था पीछे से, छुप के, अचानक से मतलब। ओ अच्छा, इसे हटाने, हटा हटा हटा। अभी भी नहीं घुस पा रहे तो। अच्छा घुसा कहाँ कहाँ पे, ट्रेजर छुपा के रखा है इन लोगों ने, लूट। अबे घुस, चलें। दो को बचा लिया हमने, अब तीसरे वाले के पास। तो पहुंच गया,
तीसरे वाले को यहाँ बंदी बना के रखा गया है। चलते हैं। इस गेम में लगता है पहली बार पानी के अंदर तैर रहा हूँ मैं। वो आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है। पहुंच गया भाई। Saxons surrounding that old hut. There may be Danes trapped inside. तो लीफ और गैलिन को बचा लिया हमने। अब बिरना बची है। उसी की बोट है ये। एक सेकंड। देख लिया किसी ने। बिरना धमका रही है उनको। आखिरी में छुड़ाएंगे इसे। पहले इन आजू बाजू के लोगों को तो निपटा देते हैं ताकि ये बीच में दिक्कत ना पैदा करें। अरे तेरी, ये होना ही था। आ जाओ फिर। तो पीछे उतरे जल्दी और मार। एक ओ भाई, मेरा स्टैमिना खत्म हो गया है। गया, रुक जा रुक जा। बिरना को बचाते हैं बाद में, पहले इन लोगों को खत्म करें। कहाँ गए बाकी? ऐसे दो चार ही लोग थे क्या? अरे यार, ये वाला बनता ही नहीं मुझसे। क्या है ये एबिलिटी? ले, मेरे ख्याल से सारे निपट गए। यहाँ पे एक ट्रेजर बचा हुआ है नीचे, उसे लेंगे। पहले बिरना को छुड़ा लेते हैं। कौन है यार? और भी है क्या अभी? कोई चिल्लाया हेल्प? आ रहा हूँ रुक जा। अच्छा ये है। एक्सपी क्यों छोड़ना भाई, जो मिल रहा है। अरे बिल्कुल, कुछ दे रहे क्या ये? नहीं कुछ नहीं। अपनी भाषा में चालू हो गया वो। चलो फिर अब बिरना को छुड़ाते हैं। Thinking of starting a new town. Old Roman letter, yeah, yeah, yeah. Follow on, Birna. Leaf and Galen. अरे वो ठीक है, follow तो कर लेंगे, पर ये जो नीचे treasure है उसे क्या करूँ? एक सेकंड, इसी में तो clue नहीं है। ना इसमें तो कोई clue नहीं है। रुक जाओ यार, रुक जाओ। चलेंगे चलेंगे यहाँ से। ये तो है, इसलिए ना पूरी जगह को अच्छे से छान मारो, उसके बाद ही जाना कहीं। क्यों छोड़ें? कुछ नहीं छोड़ना है हमें, पूरा एक्सप्लोर करना है। मार मार है। एक क्वाइन अटैक। असैसिनेट एन एनिमी फ्रॉम योर हॉर्स। चला। अरे बस बस बस, चलते हैं वापस सोमा के कैंप। उनके तीनों बंदों को हमने छुड़ा लिए, जो तीन खास थे उसके। रुक जा भाई, एक सेकंड। रास्ते में एक और पोस्ट है, एक छोटी सी, और सामने ट्रेजर है, और क्या कहते हैं, एक ऑर्डर का मेंबर भी है यहीं पे। Hey, what's going on? क्यों ना इसे किए करते हुए चला जाए भाई। रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ना है। अबे आ ना, डर क्यों रहे, आ जा। इसे देखो, प्रैक्टिस कर रही है, इसके पास एक की है। मिस कर दिया मैंने।
आजा कम ऑन आजा कर 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 वार कर स्टन क्यों नहीं हुआ ये हो गया स्टन हो गया ले गला तोड़ा उसके सर फोड़ दिया भाई उसके अबे हटो सालो तुम लोग आजा 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 ले एक और है सामने कम ऑन उठ 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 लड़ आजा कैसा लगा ले हो गया धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस असैसिनेट क्यों नहीं किया यार इसने ऑर्डर ऑर्डर को मारो पहले रुक जा मेरी वो खत्म है स्टन कर स्टन स्टन ले भाला डाल दिया ब्रूटल भाई आ जा फिर शील्ड गई उसकी चला आ जा गया अब तू अकेला बचा है कम ऑन पुअर फेलो इधर इधर भाई इधर सारे खत्म और ये ऑर्डर क्या कैरी नहीं करना है कंफर्म करना है इसमें भी कंफर्म किल है ये नया एनिमेशन जोड़ दिया इन लोगों ने गले पे पूरा जगुलर वेन को काटते हुए लियो फिगिफू नाम है इसका You will not dig deeply enough. We are both a clot and cancer. We sit heavy in water, and yet we spread like a river's current. Are you well? Why would you ask such a question at such a time as this? Beneath your words is something of a size unknown, a mystery. It lurks behind every frail word from your mouth. Afterlife mein confront kar raha hai bhai aur un logon ko. Order ko. ओपन ऑर्डर मेनू खैर वो तो एक ऑर्डर मेंबर तो मतलब दो एलिमिनेट हो गए क्योतवे को मिला के और अगला क्लू भी मिल गया है और कुछ नोट्स भी मिले हैं जो हमें उसे देना है हिथाम को देना पड़ेगा और ये एंशियंट मेडालियन जो ये लोग रखते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के एपिसोड के लिए रखते इतना ही तो हमने सोमा के तीनों दोस्तों को उसे खास सलाहकारों को छुड़वा लिया है अब हमें सिर्फ सोमा से जाके मिलना है और फिर आगे की प्लानिंग करनी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में और फिर बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे तो तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।